स्टार्ट। ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑफ इटली सॉरी जर्मनी। एंड डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू नो दैट एट दैट टाइम ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुसिया। एंड थ्री वॉर्स ओवर सेवन ईयर्स एंडेड इन प्रूसियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अंडर हिज लीडरशिप इट मींस ऑटो वॉन बिस्मार्क थ्री वॉर्स ओवर सेवन ईयर्स तीन युद्ध लड़े गए थे 7 वर्षों में और अंततः प्रूसियन जो है जीते और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस अपने हाथों में लिया था वो पूरा हुआ। कैसल विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसियन हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो कैसल विलियम फर्स्ट को वहां का साम्राज्य का राजा बनाया गया। नाउ कम टू द इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इन टू 7 states ऑफ which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely state. Italy जो है 7 states में विभाजित था, 7 states। और मात्र Sardinia Piedmont ही ऐसा एक state था 7 states में जहाँ Italian princely prince जो है rule करते थे। Initially a unification program was initiated by Giuseppe Mazzini, but it failed. सबसे पहले क्या हुआ कि इटली के यूनिफिकेशन का काम शुरू किया Giuseppe Mazzini ने, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कावर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ Giuseppe Garibaldi और Giuseppe Mazzini सेक्रेट सोसाइटीज की मदद से जहां लोगों के मन को बनाया कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए। यूनिफिकेशन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहोगे तो क्या होगा और जब एकत्रित हो जाओगे तो कितने पावरफुल हो जाओगे। यंग इटली का बनाया था उसने सेक्रेट सोसाइटी। फिर तो क्या हुआ, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था काबुर ने जो चीफ मिनिस्टर था और Giuseppe Garibaldi। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अंततः सफल हुआ गैरी और वहां का राजा जो है यूनाइटेड इटली का राजा बनाया गया विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब आइए बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बात तो गजब थी, ना कोई क्रांति हुई ना कोई आंदोलन हुआ, फिर भी यूनिफिकेशन हो गया, एक नेशनलिज्म वहां भी डेवलप हुई। इन 1688 इंग्लैंड एस्टेब्लिश एज अ नेशन स्टेट। कब बना नेशन स्टेट इंग्लैंड? 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्क। और नेशन स्टेट बनने के बाद इंग्लिश का जो पार्लियामेंट था उसने राजा की शक्ति को निरस्त कर दिया और पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक कानून बना 1707 में और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली टेकन बाई द ब्रिटिश। और अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने क्या किया, अपना कॉलोनी हर देश में स्थापित करना शुरू किया। और 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती ब्रिटिश में मिला लिया और क्रांति असफल होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, ये न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फाउंडेड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर।
अंग्रेजी सभ्यता का, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन। आप राष्ट्र को किस रूप में देखते हैं? आपको पहले भी बताया गया है कि जब तक आप किसी चीज को फिगर नहीं देते हैं तो कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन सकती। जब किसी रूप को, किसी सिंबल को आप स्वीकार नहीं करते, एक सिंबल को, तो आप कॉमन आइडेंटिटी नहीं बना सकते, क्योंकि सबका अपना अपना विचार होगा, अपने अपने तरीके होंगे। तो राष्ट्र जो है हमारा एक हो तो उसका कौन सा रूप दिया जाए ताकि एकता, वननेस की फीलिंग हो, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, पूरे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय झंडा हो, एक राष्ट्रीय, एक नेशनल फ्लैग हो, नेशनल गेम हो, नेशनल सॉन्ग हो, एक राष्ट्र हो। तो राष्ट्र को किस रूप में देखेंगे? आपने चैप्टर सुना, शुरू में ही जाना कि लॉ पैट्री और लॉ सिटी हो। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ oneness, this Rashtra is a fatherland and we citizens are its children. ऐसी फीलिंग बताई गई थी उस समय। उसके बाद और भी रूप निखरा, लोगों ने एक abstract idea जोड़ लिया देश को। तो इसी चीज को हम जानेंगे, क्या हुआ? Nations bear portrait as family, fatherland। लेकिन आप हिंदी में पढ़े होंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दो तरह का होता है, एक लिटरेरी होता है और एक जो होता है फिगर में, सिंबल में होता है। तो आप लिटरेरी भी हो सकते हैं, जैसे आप जो है राष्ट्र गांधी, तो यह लिटरेरी हो गया, आपने लिखा, इसको बोला गया और भारत माता की एक तस्वीर बनाई, एक सिंबल है, राष्ट्रीय एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल फ्लैग है, ये क्या है? सिंबल। तो दो तरह के होते हैं। तो क्या हुआ कि नेशंस वेयर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, पूरे राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया। अभी हम बात केवल यूरोप की करते हैं, बाकी तो आप अपने भारत माता के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया रूपक अलंकार दिया गया। मैंने बताया कि अलंकार दो तरह के होते हैं, एक सिंबॉलिक होते हैं और एक लिटरेरी होते हैं। फिर द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजिंग टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन। जो फीमेल फॉर्म चुना गया पर्सनिफाई करने के लिए राष्ट्र को, वो कोई पर्टिकुलर महिला नहीं थी। इन रियल लाइफ, वास्तविक जिंदगी में वो कोई महिला नहीं थी, वो एक कल्पना था, एक इमेजिनेशन, कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी जिसको बना दिया गया, किसी देश की माता बना दिया गया, उसको मदरली फिगर दिया गया, देश मान लिया गया, ऐसा कुछ नहीं, एक इमेजिनेशन, वास्तव में वो थी नहीं। इट सॉ टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंप्लीट फॉर्म। एक देश को एक ठोस रूप देने के लिए इमेजिनेशन में, एक कल्पना में महिला को रखा, कोई खास, कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी। इन फ्रांस एलेग्री वाज क्रिस्टेनाइज्ड मैरिड एंड इन जर्मनी जर्मेनियन। और क्या हुआ फ्रांस में, जिस महिला को माना गया है फीमेल को, देश का स्वरूप माना गया, वो मैरिड थी और जर्मन में जर्मेनियन थी। बोथ द पिक्चर यू विल हैव टू put your glance in the figure of your book, history की book में आप जर्मेनिया का figure देखेंगे और मैरिनी का figure देखेंगे, दोनों को differentiate करेंगे, what differentiation in both the picture, but the purpose is the same, to develop an abstract idea फॉर द कंट्री, फॉर द मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए एक भावनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए वो दोनों फिगर हैं, जर्मेनिया एंड मैरिनी, फ्रांस, जर्मनी, जर्मेनिया। लास्ट पॉइंट इज
nationalism and